आई लॉस्ट माई मदर अनफॉर्चुनेटली एंड तभी से माई लाइफ इज एम्प्टी एंड इनकम्प्लीट. और तो अगर आज वो होती तो और ज़्यादा खुशी होती कि जो उन्होंने सेक्रीफाइसेस किए वो अपनी आंखों से देख पाती कि आज मैंने जो भी चीज़ें अचीव की हैं. सर आई एम फीलिंग वेरी ग्रेटफुल कि आई कुड क्लियर दिस एग्जाम. एज फार एज माई स्टडीज़ आर कंसर्न्ड तो मैंने जी एस तो सेल्फ स्टडी से ही किया है. However, I took optional coaching from Shubhra Ranjan IAS. And as far as my number of hours are concerned, then I think consistently आप नहीं पढ़ सकते हैं. तो on an average मेरा 8 to 10 hours रहता था. However, जब exam pass में आता था तो आपको अपने study hours बढ़ाने पड़ते हैं. तो उस time पे मेरे hours जो थे वो 13 hours तक पहुँच जाते थे. However, quantity तो matter करती है, उससे ज़्यादा important है कि आप qualitatively उतने hours आप अपने दे पा रहे हैं. Foundational course तो मैंने नहीं join किया कुछ भी. GS का मैंने खुद ही cover किया था सब कुछ. ऑप्शनल के लिए पॉलिटिकल साइंस के लिए मैंने शुभ्रा रंजन IAS से कोचिंग ली थी. ये मेरा फोर्थ अटेम्प्ट था. सो मेरा ऑन एन एवरेज 8 to 10 आवर्स रहता था. और मैं बहुत प्राउड फील कर रही हूँ कि मैं अपने मम्मी डैडी को प्राउड फील करा पाई. एंड जो सब मेहनत थी, हार्डवर्क था, मेरे मम्मी डैडी के सैक्रीफाइसेस थे, वो सब आई थिंक आज अचीव हो गए. आई लॉस्ट माई मदर अनफॉर्चुनेटली एंड तभी से माई लाइफ इज एम्प्टी एंड इनकम्प्लीट. और तो अगर आज वो होती तो और ज़्यादा खुशी होती कि जो उन्होंने सैक्रीफाइसेस किए वो अपनी आंखों से देख पाती कि आज मैंने जो भी चीज़ें अचीव की हैं. घंटे आपको डेफिनेटली एक मिनिमम अमाउंट ऑफ आवर्स देने पड़ते हैं इस एग्जाम को क्लियर करने के लिए. बट अगर आप क्वालिटेटिवली पढ़ेंगे एंड अगर आप डेडिकेटेड रहेंगे अपने एम के तरफ तो आई थिंक आप अचीव कर सकते हैं. बस आपको परसीवर करना पड़ेगा, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हमें इस एग्जाम में फर्स्ट अटैम्प्ट में ही जो है सफलता हासिल हो जाए. तो आपको इसमें मल्टीपल अटैम्प्ट देने पड़ सकते हैं. तो अगर आप मेंटली टफ हैं और इफ़ यू हैव दैट इंटरनल ड्राइव टू अचीव दिस, तो आई थिंक आप कर सकते हैं.